आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि 2 ग्राम ईंधन जलकर 66 जूल तापीय ऊर्जा देता है, तो ईंधन का जो कैलोरी मान है वह कितना है, यह हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताने की कौन से विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। तो हमें प्रश्न में ईंधन का जो कैलोरी मान है, ईंधन का कैलोरी मान ये कितना होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों हम कैसे यहाँ पर देख जानेंगे कि ईंधन का कैलोरी मान कितना है, तो हम दोस्तों जानते हैं कि जो हमारा कैलोरी मान है, कैलोरी मान दोस्तों हम कब निकालते हैं, कैलोरी मान जब भी निकाला जाता है तो वह हम जो है 1 ग्राम ईंधन को जलाकर निकाला जाता है। ठीक है, तो जब दोस्तों हम 1 ग्राम ईंधन को जलाएंगे तो जितनी हमारी जो तापीय ऊर्जा या फिर हम कह सकते हैं उष्मा रिलीज होगी, वही क्या होगी, वही उसका कैलोरी मान होगा। अब हमें प्रश्न के अनुसार हमें जो दिया गया है उसमें बोला गया है कि 2 ग्राम जब ईंधन जो जलती है, 2 ग्राम ईंधन जब जलाई जाती है तो उस कंडीशन में हमारा कितना यहाँ पर ऊर्जा निकल रहा है, वो निकल रहा है दोस्तों हमारा 66 जूल। ठीक है, अब दोस्तों हमें अगर इस ईंधन का कैलोरी मान निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, 1 ग्राम ईंधन को जलाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम ईंधन को जब हम जलाएंगे तब दोस्तों हमारा क्या होगा, 2 ग्राम में हमारा 66 जूल हो रहा है, तो 1 ग्राम में जब हम जलाएंगे, 1 ग्राम ईंधन को जलाएंगे तो क्या होगा, हमें करना होगा 66 / 2, तो हमारा 1 ग्राम ईंधन में जलने में जितनी तापीय ऊर्जा निकलेगी वो निकल जाएगा। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 33। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा हमारा 33 जूल। तो हम कह सकते हैं कि ईंधन का जो कैलोरी मान है वो क्या होगा, 33 जूल, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि जब भी हम कैलोरी मान निकालते हैं तो 1 ग्राम ईंधन से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वही उसका कैलोरी मान कहलाता है। तो 1 ग्राम में हमें यहाँ पर 33 जूल जो है वह एनर्जी यहाँ पर मिलेगी, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। पहले ऑप्शन में दिया गया है 33 जूल, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। 66 जूल ये ऑप्शन गलत है, 3.3 ये भी गलत है, 6.6 ये भी ऑप्शन गलत है, और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।